सभी को नमस्कार दोस्तों। इस प्लान की डिटेल की बात करें तो 20x50 में पूरा प्लान बना है दोस्तों। ये तीन साइड से क्लोज है, हमारे क्लाइंट है जो राजा एमपी से बिलोंग करते हैं, भिंड से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए हमने प्लान को डिजाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, इस पैटर्न इस लुक पे आपको यहाँ पे डिजाइन वगैरह का डिजाइन मिल जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको 2 फीट हाइट पर इस तरीके से डिजाइन मिल जाएगा और ऊपर आपको इस तरीके से रेलिंग का डिजाइन मिलेगा दोस्तों। फ्रंट जो 20 फीट है और ये रेलिंग यहाँ पे इस तरीके से सिंपल तरीके से सिंपल पैटर्न में हमने रेलिंग को डिजाइन दिया है। यहाँ फ्रंट में ही आपको स्टेयर दिया गया ताकि रेंट वगैरह पे भी आप दे सकें। ये आपका एक डिजाइन का पार्ट है जो बालकनी में आपको डिजाइन इस तरीके से दिख रहा है, ये बालकनी का पूरा डिजाइन का पार्ट है इस तरीके से। ऊपर की रेलिंग की बात करें तो इस तरीके से आपको ग्रिल के पैटर्न में आपको यहाँ पे कास्ट आयरन का रेलिंग वगैरह का डिजाइन आपको मिल जाएगा। मम्टी रूम भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, आपको मम्टी रूम का डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। इस पैटर्न इस लुक पे आपको मम्टी रूम के यहाँ पे पूरा डिजाइन का पार्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का एलिवेशन। अभी इसको पूरा डिटेल, बाकी डिटेल भी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो प्लीज अंत तक देखें और चैनल से अपना प्यारा सपोर्ट बनाते रहे दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसका बाकी डिटेल आपको हम बताते हैं एक एक करके किस तरीके से बाकी डिटेल आपका बनाएगा दोस्तों। तो फ्रंट की बात करें तो ये मकान इस तरीके से आपका 20 फीट वाइड बनाएगा, 20 फीट वाइड है, 50 फीट चौड़ाई है, 20x50 में प्लान बना है दोस्तों। तीन साइड से क्लोज है। अब मकान की हाइट की बात करें तो 2 फीट आपका ऊपर है, बीच में आपको ये रैंप दिया, सेंटर में सीढ़ी दिया, साइड में आपका रैंप दिया गया है। ये आपका गेट हो जाएगा जो कि 8 फीट वाइड बनाया है, ऊंचाई 8 फीट रखी गई है। ऊपर आपका इस तरीके से 2 फीट 6 इंच आपका छज्जा इस तरीके से डाउन करके डिजाइन दिया है दोस्तों। ये आपका एक डिजाइन का पार्ट है, ये आपका विंडो के साथ इस तरीके से 1 फीट 2 इंच आगे करके विंडो का डिजाइन यहाँ पे दिया गया दोस्तों। ऊपर की बात करें तो ये 3 फीट आपका छज्जा बाहर निकला हुआ है जो कि ग्रिल के पैटर्न में आपका डिजाइन यूज किया गया दोस्तों। 2-2 फीट का आपका ईंट से इस डिजाइन को आप बना सकते हैं, इस तरीके से इस पैटर्न में आपका डिजाइन वगैरह हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से इस पैटर्न में इस तरीके से आपको 3 फीट छज्जा आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये रहा आपका मम्टी रूम का डिजाइन, मम्टी रूम का इस तरीके से इस पैटर्न में आपको डिजाइन मिल जाएगा दोस्तों। तो ये था पूरा एलिवेशन। अब चलते हैं अंदर का डिटेल आपको हम बताते हैं कि अंदर का डिटेल आपको हम किस तरीके से आपका बनाया गया दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे मेन गेट से एंट्री करेंगे तो यहीं पर आपका सीढ़ी दिया गया है जो कि 7.5 इंच इसकी ऊंचाई है, सीढ़ी की जो ऊंचाई है 7.5 इंच है, 10 इंच इसका थ्रेड है। और ये आपका इस तरीके से 3 फीट वाइड में सीढ़ी बनाया गया, इस तरीके से आपका सीढ़ी रहेगा। सीढ़ी बाहर रखने से फायदा यह है कि कभी रेंट वगैरह पे देना है तो आप इसको रेंट पे भी दे सकते हैं दोस्तों। ये आपका एक गेस्ट रूम हो जाएगा। इस गेस्ट रूम की अगर साइज की बात करें तो 11 फीट x 14 फीट 10 इंच है, 11 फीट इसकी विड्थ है, 14 फीट 10 इंच इसकी लंबाई है दोस्तों। यहाँ पे आपका टॉयलेट और बाथरूम दोनों दिए गए हैं। टॉयलेट का जो साइज है ये आपका 4x4 है, बाथरूम का जो साइज है 4 फीट x 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच इसकी लंबाई, 4 फीट इसकी चौड़ाई है दोस्तों। ये आपका एक किचन हो जाएगा। यहाँ पे आपका किचन की अगर साइज की यहाँ पे बात किया जाए तो 8 फीट x 6 फीट 6 इंच, 8 फीट इसकी लंबाई है, 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है दोस्तों। ये इस साइड में आपका हॉल एरिया मिल जाएगा दोस्तों, 19 फीट 2 इंच x 14 फीट 10 इंच का आपका, 14 फीट 10 इंच इसकी लंबाई है, 19 फीट 2 इंच इसकी चौड़ाई है दोस्तों। बैक साइड में आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे। इस बेडरूम का साइज 9 फीट 6 इंच x 13 फीट का साइज है, इस बेडरूम का 9 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है, 13 फीट इसकी लंबाई है। और इस बेडरूम का साइज है 9 फीट 4 इंच x 13 फीट, 9 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई है, 13 फीट इसकी लंबाई दोस्तों। तो ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में भी आपको डिटेल हम बताते हैं। फर्स्ट फ्लोर सेम टू सेम बनाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं किया है, बस एक किचन को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया गया, बाकी सारा चीजें सेम है दोस्तों। बाकी सेकंड फ्लोर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका सेकंड फ्लोर का पूरा डिजाइन आपका रहेगा। ऊपर का टेरेस आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नक्शा बनाना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूं, धन्यवाद दोस्तों।